इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 यूनिट 4.4 माय फाइनेंशियल करियर। सो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें राइटर जो है वो अपने फाइनेंशियल करियर के बारे में बता रहा है। मतलब बैंक के कुछ इंसिडेंट, जब वो बैंक में गए थे, उनको कुछ रीज़न से बैंक अकाउंट बनाना था, उसकी वो लोग उसकी कहानी वो यहाँ पे सुना रहे। मतलब उन्होंने क्या क्या स्टूपिडिटी की, ये सब वो इस कहानी के जरिए अपने को बता रहे हैं। Let's start. When I go into a bank, I get rattled. Okay, what is mean by rattle? Rattle means nervous. जब मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, ठीक है। The clerks rattle me. The wickets rattle me. Wickets मतलब होता है small door या फिर gate. Okay. The sight of the money rattles me. Everything rattles me. ठीक है, वहाँ का जो क्लर्क है, जो जो भी संभालता है, छोटे छोटे मोटे काम जो भी करता है, उसे क्लर्क बोलते हैं। तो वहाँ का क्लर्क है वो मुझे नर्वस करता है, वहाँ का जो स्मॉल डोर है वो भी मुझे नर्वस करता है, एंड अगर कोई पैसे गिन रहा हो वो भी मुझे नर्वस, जो नर्वसनेस होती है वो सभी चीज़ मुझे नर्वस करती है वहाँ पे। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक आई एम अ हेजिटेटिंग जे। ओके, थ्रेशोल्ड मीन्स व्हाट? थ्रेशोल्ड मीन्स एंट्रेंस। ओके, जो भी एंट्रेंस रहता है। एंड जे मीन्स अ पर्सन हु टॉक्स फुलिशली, जो कुछ भी बोल देता है, ठीक है, फुलिशली, ठीक है। सो द मोमेंट आई क्रॉस, जब मैं वो एंट्रेंस से गया बैंक के अंदर, तो मैं हेजिटेट हो रहा था, कुछ भी बकबक कर रहा था। एंड इफ आई अटेम टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर आई बिकेम एन इनरिस्पॉन्सिबल इडियट। जब मैं वहाँ पे, जैसे अपन बैंक क्यों जाते हैं, लेन देन करने जाते हैं या फिर ट्रांजैक्ट करने जाते हैं, मतलब ही अपने को डिपॉजिट करना होता है या फिर कुछ विड्रॉ करना होता है ना। तो जब वो जा रहे थे ऐसे कुछ ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो वो बोल रहे कि मैंने एक आई बिकेम एन इनरिस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल इडियट जैसा बन गया था बैंक में जाने के बाद। आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बिन raised to $50 a month and I felt that the bank was the only place for it. Okay. So, मुझे पता था इसके पहले कि मतलब मैं बैंक में जाने पर इडियट जैसे हरकतें करता हूँ, मुझे पता था, पर मेरी जो सैलरी है वो $50 बढ़ गई है, ठीक है, $50 और रेज हो गई है, बढ़ गई है मंथ के लिए, ठीक है, फॉर अ मंथ। ओके, एंड मुझे पता है ये मतलब आई फील दैट द बैंक वॉज अ ओनली प्लेस फॉर इट, और वो पैसे को रखने के लिए एक बैंक ही ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रख सकता हूँ पैसे, है ना। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स। शैम्बल मीन्स टू वॉक स्लोली एंड टिमिडली मीन्स फियरफुली, ठीक है, डर के कारण। सो मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है, एंड मैंने ऐसे डरावना सा फेस क्लर्क को, मतलब क्लर्क के सामने गया, लुक्ड फियरफुली अराउंड एट द क्लर्क, डर से मैंने वो क्लर्क को देखा। ओके, फियरफुली आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड कंसल्ट द मैनेजर। सो मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है कि अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है तो उसे ज़रूर कंसल्टेंट, मतलब मैनेजर से कंसल्ट लेनी चाहिए, कुछ पूछ लेना चाहिए, ठीक है, मैनेजर से सबसे पहले अकाउंट खोलने से पहले। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट। सो विकेट मतलब था वो स्मॉल डोर, ठीक है, तो मैं वहाँ पे गया, कहाँ पे गया, जिसके ऊपर ऐसा लिखा था, जिसके डोर के ऊपर लिखा था अकाउंटेंट, ठीक है, वहाँ पे गया। सो आई अकाउंट, सॉरी, द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। मतलब ही अकाउंटेंट कैसा दिख रहा था उसका पे डिस्क्राइब किया है कि अकाउंटेंट कैसा दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, टॉल, लंबा सा, एंड कूल डेविल। डेविल मतलब होता है शैतान को बोलते, वैसे तो लो ऐसा थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था दिखने में, स्ट्रिक्ट वाला जैसा नहीं है। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल मी, माई वॉइस वॉज सिपल्स्ट्रल। सो वॉट इज मीन बाय रैटल, तो अपने को पता, इसके पहले अपन देखा रैटल मीन्स नर्वस, ठीक है। सो अ वेरी साइट ऑफ हिम रैटल मी, मतलब उसने एकदम से मुझे देखा और मुझे नर्वस कर दिया, एंड माई वॉइस वॉज सेपल्चर्स, मतलब होता है ग्लूमी, सॉरोफुल, ठीक है,
दर्द भरी, मेरी वॉइस एकदम दर्द भरी थी। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सोलेमली, अलोन। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन। सो उन्होंने बोला कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं है, मिलना। ओके, मैं क्या मैनेजर से मिल सकता हूँ? एडेड सोलेम सिंसियरली पूछा, सोलेमली मीन सिंसियरली उन्होंने पूछा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। अलोन मतलब अकेले, तो मुझे समझा नहीं कि मैंने अलोन मतलब अकेले क्यों बोला। वो निकल गया फ्लो फ्लो में, वो निकल गया। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच हिम, फेच मीन्स ब्रिंग हिम, ठीक है, टू ब्रिंग हिम। उसने बोला हाँ शायद। सो उसने उसको लेके गया, ठीक है। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काल्म मैन। आई हेल्ड माई $56 क्लच इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। सो वॉट इज मीन बाय क्लच, मतलब टू होल्ड, एकदम टाइटली पकड़ के रखना। एंड क्रम्पल मतलब टू क्रश आउट ऑफ शेप। उसको अपन कैसे कुछ भी चीज़ को अगर ऐसे मुट्ठी में पकड़ लेते हो, कैसे एक बॉल जैसा शेप बन जाता है ना, मुट्ठी के जैसा, तो वैसे शेप में वो बन गया था। उसने अपने पॉकेट में रखा, ठीक है। उसने एकदम $56 एकदम टाइटली हाथ में पकड़े हुए थे। आर यू द मैनेजर, आई सेड। गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। तो मैंने पूछा कि क्या आप मैनेजर हो? आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हो? गॉड नोज, गॉड को पता है कि मैं, आई डिडंट डाउट इट, मुझे मतलब डाउट तो नहीं था पर फिर भी मैंने पूछ लिया। यस ही सेड, उसने बोला हाँ। कैन आई सी यू, आई आस्क अलोन। आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन बट विदाउट इट द थिंग सीम सेल्फ एविडेंट। सो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले? उसने फिर से अकेले मतलब अलोन का यूज़ किया, अलोन वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अकेले? पर मुझे मतलब आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, मुझे अलोन ये वर्ड फिर से नहीं बोलना था। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंस, मतलब वो फ्लो फ्लो में हो गया, वो निकल गया मुंह से। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। अलार्म मतलब कुछ अलग ही लुक दिया उसने, मैनेजर ने मुझे, ठीक है। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। ऑफुल मीन्स फियरफुल सीक्रेट टू अनकवर। मतलब मैनेजर को ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसे सबके सामने नहीं बताया जा सकता, इसलिए वो शायद अलोन करके बोल रहे हैं, ऐसा मैनेजर को लगा। कम इन हियर, ही सेड एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम। ही टर्न द की। सो बोलते ठीक है आप इधर आइए, अकाउंटेंट बोल रहा है, ठीक है आप इधर आइए। एंड उसने उसको एक प्राइवेट रूम में, मतलब अकाउंटेंट ने मुझे एक प्राइवेट रूम में लेके गया। एंड वहाँ पे उसने ही टर्न द की, मतलब उन्होंने जहाँ पे रूम को ताला लगा था उसको लॉक खोला, ठीक है, लॉक ओपन किया, अनलॉक किया। ओके, सो वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड। सिट डाउन, अभी अपने को यहाँ पे कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा, अभी अपन यहाँ पे सेफ है, तो आप बैठ जाइए। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एक दूसरे की तरफ लुक देने लगे। एंड मेरे पास कोई वर्ड, मेरे मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा था। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन, आई परस्यूम, ही सेड। उसने बोला, अकाउंटेंट ने बोला, पिंकरटन मतलब ये होता है, पिंकरटन मतलब नेशंस फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइवेट पुलिस फोर्स। तो उसने बोला क्या तुम वो पुलिस फोर्स से, प्राइवेट पुलिस फोर्स से हो, उसमें के मैन हो कोई? मुझे ऐसा लगा, ठीक है, आई प्रिज्यूम, मुझे ऐसा लगा, उसने ऐसा बोला। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 102। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माय मिस्टीरियस मैनर दैट आई वाज अ डिटेक्टिव। आई न्यू व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज, तो ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माय स्ट्रेंज मैनर, मतलब मैं कैसे थोड़ा सा स्ट्रेंज अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ मैं शायद पिंकरटन से हूँ, तो इसलिए ऐसा लगा उन्हें। मैं डिटेक्टिव
I was a detective. I knew what he was thinking and it made me worse. तो मुझे समझ गया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे. नो नॉट फ्रॉम पिंकर टोन आई सेड सिमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ रिवेल एजेंसी. रिवेल मीन्स होता है अपोजिट, ठीक है, डिफरेंट अपोजिट. सो मैंने बोला कि नहीं, मैं पिंकर स्टोन से तो नहीं हूँ. तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पिंकर स्टोन से नहीं हूँ, मैं उसके अपोजिट वाले एजेंसी से हूँ. ठीक है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, पर उन्हें ऐसा लगा. ठीक है, इट सीम्ड टू इम्प्लाई. टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट. जैसे कि मुझे कोई बोल रहा है झूठ बोलने के लिए, प्रॉम्प्ट कर रहा है. ठीक है, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल. आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट. आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक. सो मैंने बोला कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ. ठीक है, मैं डिटेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हूँ. ठीक है, मैं एक बैंक अकाउंट ओपन करने आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पैसे यहाँ पे बैंक में जमा करने हैं. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस. तो मैनेजर थोड़ा सा रिलीव हुआ, थोड़ा सा मतलब उसको ही मिल गई, राहत मिल गई, बट फिर भी वो सीरियस था थोड़ा सा. ठीक है, बट स्टिल सीरियस. ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रोथस्टाइल और ए यंग गोल्ड. बैरन रोथस्टाइल के कौन थे? द वेल्दीएस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द टाइम एंड गोल्ड मिस वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाइम. तो मैंने ऐसा बोला ना कि मैं डिटेक्टिव भी नहीं, पर मुझे अपने पैसे अकाउंट खोलना है कि पैसे जमा करने. इसलिए तो उन्हें क्या, उन्होंने इस बात का क्या कंक्लूजन निकाला कि मैं एक बैरन रोथस्टाइल का बेटा हूँ, मतलब जो कि बहुत अमीर, उस टाइम में बहुत अमीर थे, वेल्दीएस्ट मोस्ट वेल्दीएस्ट मैन. ठीक है, या फिर मैं कोई रिचेस्ट मैन हूँ, सबसे अमीर मैन हूँ. इसलिए उसे मतलब उन्होंने कंक्लूड किया अकाउंटेंट ने. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड. तो मैनेजर अकाउंटेंट ने बोला क्या, अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, शायद एक बड़ा अकाउंट है ना, ज़्यादा बड़ा अकाउंट. सो फेयरली लार्ज आई विस्पर. तो मैंने विस्पर किया, हाँ लगभग लार्ज, हाँ लगभग बड़ा ही. आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. मुझे अभी $56 डिपॉजिट करना है, मतलब अपने अकाउंट में जमा कराना है, एंड $50 मैं हर महीने डालूंगा. ठीक है, रेगुलरली हर मंथ. ठीक है, द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर. ही कॉल टू द अकाउंटेंट. तो अब वो मैनेजर उठा एंड उसने डोर ओपन किया और उसने अकाउंटेंट को बुलाया. ही कॉल द अकाउंटेंट. मिस्टर मॉन्टगोमेरी ही सेड. ठीक है, उसने बुलाया, उस मैनेजर ने बोला, मिस्टर मॉन्टगोमेरी अनकाइंडली लाउड. ठीक है, द जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट. ही विल डिपॉजिट $56. गुड मॉर्निंग. तो उन्होंने गुड मॉर्निंग विश करते हुए, मतलब मैनेजर ने अकाउंटेंट को गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोला कि ये जेंटलमैन को, या मैन को, ये जेंटलमैन को एक अकाउंट ओपन करना है एंड उन्हें $56 डिपॉजिट भी करने हैं. वो ही विल डिपॉजिट, वो $56 डिपॉजिट करेंगे. आई रोज. अ बिग आयरन डोर स्टॉप स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम. गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप इन टू द सेफ. ओके, तो एक बड़ा सा आयरन का डोर ओपन हुआ. ठीक है, एट द साइड ऑफ द रूम. एंड मैंने बोला गुड मॉर्निंग एंड वहाँ से बाहर, स्टेप इन टू द सेफ, वहाँ से बाहर निकला. सो उसने बोला कम आउट. कौन बोल रहा है? मैनेजर कोल्डली बोल रहा है कम आउट. एंड शोड मी द अदर वे. एंड मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए. आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट एंड poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. Okay, what is meant by poked is to push. I went up the accountant's wicket. मतलब मैं accountant's के वो door जो था वहाँ पे गया, उसके small door के पास, gate के पास, and to push the ball of, जो मैंने हाथ में जो पकड़ के रखा था मुट्ठी बना के, जो पैसे के
बंडल जो भी था, तो मैंने एकदम क्विक जर्क से, झटके से, ठीक है, वो मुंह में ऐसे रख दिया, ठीक है, झटके से रख दिया। एंड इफ आई वे डूइंग, मतलब ऐसा लग रहा था मैं कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हूँ, कंजरेटिंग मीन्स मैजिक ट्रिक कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। माई फेस वॉज घासली पील, घासली पील मीन्स होता है इंस्पायरिंग हॉरर, ठीक है, मेरा फेस पूरा पेल, अपन बोलते ना डर के मारे एकदम पीला पड़ गया है, जस्ट लाइक दैट। हियर आई सेड डिपॉजिटेड, द टोन ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इट इज ऑन अस, व्हाट इज माय फिट अनकंट्रोलेबल अटैक। सो मैंने बोला कि ये लो डिपॉजिट कर दो, पर किस टोन से बोला मैंने, ऐसा लग रहा था कि मुझ पे कोई पेनफुल जैसा कोई बोझ है और इसको जल्दी से जल्दी दूर करना है, कोई तो भी अनकंट्रोलेबल अटैक है, इसको जल्दी से जल्दी निपटा देने का है बस। तो इस लहजे में मैंने उन्हें ऐसा बोला, ये लो डिपॉजिट कर दो। देन ही टू द मनी एंड गेव इट टू द अनादर क्लर्क, उसने मनी ले लिया और दूसरे क्लर्क को दिया। ही मेड मी राइट द सम ऑन ऑफ स्लीप एंड साइन माई नेम इन अ बुक। सो उसने मुझे एक उसने मुझे स्लिप दिया, उसमें उसने बोला कि उसमें जितना भी तुम्हारा मनी है तुमको डिपॉजिट जितना करना है उतना उसमें अमाउंट भर दो, सम लिख दो एंड अपने नाम के साथ में साइन भी कर दो उस बुक में, ठीक है। आई नो लॉन्गर न्यू दैट वॉट आई वॉज डूइंग, आई द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज इज स्वैम डीजी। सो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आई नो नॉगर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग, मुझे कुछ समझ में आता मैं क्या कर रहा हूँ, और वो जो बैंक का जो नज़ारा है वो मेरे सामने आँखों के सामने क्या स्वैम मिस डीजी एकदम नजर आना, चक्कर जैसा लगना है, फिर आँखों के सामने वो घूमता दिखाई देना, तो मेरे सामने तो बस वही दिख रहा था, सिर्फ बैंक का नज़ारा ही दिख रहा था और कुछ नहीं। मतलब उसको जब वो स्लिप भर रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको मतलब डर के मारे नर्वसनेस की वजह से। Is it deposited? I asked in a hollow, vibrating voice. Hollow means meaningless. ठीक है, मैंने वो meaningless voice में पूछा, क्या ये deposit हो गया? Is it deposited? It is, said the accountant. तो accountant बोलता है yes, हाँ. Then I want to draw a check. तो मैंने बोला कि मुझे एक check भी डालना है, कुछ पैसे निकालने के, कुछ withdraw करना है, तो मुझे कुछ check, एक check भी डालना है। My idea was to draw out $6 of it for present use. मुझे कुछ पैसे निकालने थे अभी के यूज़ के लिए, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट यूज़ है, मुझे कुछ कितने निकालने थे, $6 पैसे मुझे निकालने थे बाई यूजिंग चेक। Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. So किसी ने मुझे एक चेकबुक दिया, वो छोटा सा डोर था, जो स्मॉल गेट डोर था, उसमें से एक जन ने मुझे चेकबुक दिया और एक जन मुझे समझा रहा था कि उसे कैसे फिल करना है, कैसे लिखना है उसके अंदर। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलीनियर्स, ठीक है, पर जहाँ पे लोग थे वहाँ बैंक के अंदर, उन्हें लग रहा था कि मैं कोई, मतलब उन पर ऐसा इम्प्रेशन गिरा कि मैं कोई इनवैलिड मिलीनियर हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड thrust it in at the clerk. What is my thrust? Put with great energy. तो मैंने उसमें लिख दिया कुछ तो भी, I wrote something on the check. मैंने लिख दिया उस चेक के अंदर और एकदम एनर्जी के साथ में सामने एनर्जी के साथ मैंने वो क्लर्क को दे दिया, इट इन एट द क्लर्क, ठीक है। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, वॉट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, ही आस्क इन सरप्राइज। तो उसने पूछा, किसने, क्लर्क ने पूछा, क्या पूरे निकाल रहे हो फिर से, सरप्राइज होके, ठीक है। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। ओ, तो मुझे फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 6 की जगह पे 56 लिख दिया हो, मतलब जितना मैंने उसके अंदर डाला पैसे अकाउंट के अंदर, उतना ही अमाउंट मैंने चेक में भी लिख दिया हो। I was too far gone to reason now. अभी मैं
कोई रीज़न देने से बहुत दूर था, मतलब मैं कोई भी रीज़न नहीं देख सकता था, दे नहीं सकता था. तो आई हैड अ फीलिंग दैट आई इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. और मेरे 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 में एक फीलिंग आई कि अभी ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को भी कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैं नर्वस था इसलिए शायद मेरे से वो सब हो गया. ठीक है, अब मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ. तो ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी. पूरे जितने भी क्लर्क थे वहाँ पे उन्होंने अपना काम रोक के मेरे तरफ देखने लगे. रेकलेस विथ मर्सी आई मेड अ प्लग. व्हाट इज मीन बाय रेकलेस मीन्स केयरलेस, मर्सी मीन्स अनहैप्पीनेस, एंड प्लज मीन्स टू रश. सो मैंने केयरलेसली घाई कर दी. ठीक है, रश मीन्स मैंने घाई गड़बड़ी में ये काम कर लिया. यस द होल थिंग, मतलब मैंने फिर मैंने बोला हाँ पूरे द होल थिंग, मतलब पूरे चाहिए. यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक एवरी सेंट ऑफ इट. आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड. क्लर्क पूछता है कि आपको क्या पूरे पैसे निकालने, मतलब यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, आपको बैंक में से पैसे निकालने हैं और पूरे पैसे निकाल, एवरी सेंट ऑफ इट. आर यू नॉट गेटिंग टू डिपॉजिट एनी मोर, आपको और कुछ जिसमें डिपॉजिट नहीं करना है, और कुछ आपको रखना नहीं है, उसमें डालना नहीं है? तो ऐसा पूछा क्लर्क ने. नेवर. तो मैंने बोला नहीं. एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड. आई मेड अ रिच अटेम्प्ट, मीन्स मिसरेबल अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विथ अ फियरफुली क्विक टेम्पर. ओके, एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट. मेरे इसमें एक होप, मतलब एक कुछ इडियट सा कुछ आया मेरे मन में कि उन्हें लग रहा है कि मैं जब चेक लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था तो मेरा दिमाग एकदम से शायद मेरा किसका किसी बात से मुझे इंसल्ट फील हुआ और मेरा माइंड एकदम से चेंज हो गया. ठीक है, और मैंने एक मिसरेबल अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन, और मैंने ऐसा अटेम्प्ट किया कि मुझे कैसे एक क्विक टेम्पर, मतलब होता है जल्दी से गुस्से आने वाला इंसान. ठीक है, जल्दी से उसे गुस्सा आ जाता है, क्विक टेम्पर वाला. तो वैसा मैंने एक लुक दिया. द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. तो क्लर्क ने स्टार्ट कर दिया उसको पैसे देने के लिए. ठीक है, हाउ विल यू हैव इट ही सेड. तो उसने बोला क्लर्क ने, हाउ विल यू हैव इट. वॉट, हाउ विल यू हैव इट. तो बताया कि तुम्हें कितने चाहिए, क्या तुम्हें कितने चाहिए. तो बोलता ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s. तो मैंने बोला ओ अच्छा. तो मैंने फिर आंसर दिया, मैंने कुछ बिना सोचे समझे, ठीक है, विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, कुछ सोचने की कोशिश भी नहीं की, और मैंने आंसर दे दिया कि इन 50s में चाहिए. ठीक है, देन ही गेव मी अ $50 बिल. तो उसने मुझे $50 का बिल दिया. एंड अ सिक्स ही आस्क्स ड्राइली. देन उसने पूछा क्लर्क ने, एंड जो बाकी के जो सिक्स है उसका क्या है ना. इन सिक्सेस आई सेड. मैंने बोला उसको इन सिक्सेस में दो. देन ही gave it me and rushed out. And I rushed out. उसने मुझे दे दिया और मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया. आई रश आउट. एज अ बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी आई कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द क्लीनिंग ऑफ द बैंक. आई सिंस देन आई बैंक नो मोर. देन आई बैंक नो मोर. सो जब वो जब मैं उस डोर से निकला, ठीक है, बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जब मैं वो डोर से निकला तो मुझे एक लाफ्टर का इको साउंड आया बैंक की तरफ से, मतलब कोई मेरे पे हंस रहा है जैसा साउंड. तो पीछे से मुझे एक हंसी की आवाज़ है, वो गूंज रही थी, इको मतलब गूंज रही थी वो बैंक के साइड से. तब से मैं बैंक कभी नहीं गया. देन आई बैंक नो मोर. I keep my money in cash in my trousers pocket.
तो मैं अपने जितने पैसे थे वो कहाँ पे रखता था, ट्राउज़र पैक ट्राउज़र के पॉकेट में रखता था, एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। और जितनी मेरी सेविंग्स है ठीक है सिल्वर डॉलर्स के अंदर, वो मैं अपने सॉक्स में रखता था। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ माई फाइनेंशियल करियर रिटन बाय स्टीफन लियोकोक। ओके तो ये इनके एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया अपन के साथ कि बैंक में जाने के बाद कैसा क्या हुआ उनके साथ, क्या क्या उनको फेस करना पड़ा, क्या क्या नर्वसनेस हुई उनको, ठीक है। तो ये सब के बारे में उन्होंने अपने को इस चैप्टर में बताया है। आई होप आपको ये स्टोरी जो लेसन है वो पसंद आया हो। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस स्टोरी लेसन, है ना।